दोस्तों गुड इवनिंग। YouTube चैनल में आप सभी का हमारी ओर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज के अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पिछली क्लास का मलेरिया का पार्ट बचा हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपन कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अपनी रूटीन रेगुलर क्लास के अंदर साइंस बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड का नया बैच शुरू किया है और उस नए बैच के अंतर्गत हमने फिक्स कर दिया कि हर 7 दिन के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड की 1 यूनिट होगी। टोटल 20 यूनिट को हमने 15 यूनिट के अंतर्गत सेट करके हर 7 दिन के अंतर्गत 1 यूनिट प्लस संडे को टेस्ट, ये चल रहा है अभी एज ए क्रैश कोर्स टाइप में चल रहा है साइंस बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड का। तो कोई भी बच्चा बीएड कर रहा है या जो किसी कारण से फर्स्ट ग्रेड बायो की कोचिंग नहीं कर पाया था, उसके लिए हमने एक स्पेशल बैच शुरू कर रखा है और संडे टू संडे 2 घंटे क्लास और उसके बाद में टेस्ट का शेड्यूल रखा गया है। यूनिट वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टॉपिक्स हर 7 दिन के अंतर्गत 1 यूनिट खत्म करा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट किसी कारण से कोचिंग नहीं कर पाए, और सारा का सारा मटेरियल हम खुद लिखित में दे रहे हैं और एक एक टॉपिक को पांच पांच बार पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड बायो का है, किसी कारण से कोचिंग नहीं कर पाया, किसी कारण से पढ़ाई नहीं हो पा रही घर पे, क्योंकि यहाँ हम एक दिन में 2-2.5 घंटे के अंदर 40 पेज रिवाइज करवाते हैं और 5 बार रिवाइज करवाते हैं, तो किसी कारण से पढ़ाई नहीं हो रही है, उसका रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो टेस्ट सीरीज भी चल रही है और क्लासेस भी चल रही है, रेगुलर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और एक राजस्थान की बहुत बड़ी ए सी एफ के अंतर्गत दोस्तों एक इंग्लिश का हमने सेपरेट बैच शुरू कर रखा है, क्योंकि इंग्लिश का उसमें एक सेपरेट पेपर है, तो उसका हमने दिन के अंदर दोपहर में 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में सेपरेट इंग्लिश का बैच शुरू कर रखा है। जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है, ए सी एफ एक आर एस लेवल की वैकेंसीज है, तो जो बच्चे इंग्लिश जिनकी कमज़ोर है वो इंग्लिश का स्पेशल ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा ए सी एफ में टिपिकल सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बोटनी का, जूलॉजी का और एनवायरमेंट का, इन 5 सब्जेक्ट के हमने क्या कर रखा है, स्पेशल क्लासेस शुरू कर रखी है। तो जो बच्चा ए सी एफ की तैयारी कर रहा है वो इन 5 सब्जेक्ट यदि उसके पास है तो इन 5 में से हमारे पास क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, रेगुलर क्लासेस चल रही है। ए सी एफ की सबसे आसान, सबसे बेस्ट एक आर एस लेवल की वैकेंसी है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो फिजिकली फिट है, वो इसके अंतर्गत अच्छी तैयारी करके आराम से सिलेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों अपन इस क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो क्लास में डिस्कस करते हैं मलेरिया के लक्षण क्या है, मलेरिया के साइन एंड सिम्टम क्या है। देखो दोस्तों, मलेरिया के साइन एंड सिम्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि मलेरिया परजीवी है, वो किसको ख़त्म करता है, आरबीसी को ख़त्म करता है। अब आरबीसी के अंतर्गत उत्सर्जी पदार्थ भर गए, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बन गए, उत्सर्जी पदार्थ मतलब हीमोजोइन कण मुक्त होते हैं, हीमोजोइन कण। देखो दोस्तों अपन बात करें कि कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या होती है, जो आरबीसी होती है वो आरबीसी मलेरिया परजीवी के उत्सर्जी पदार्थ हीमोजोइन पार्टिकल से भर जाती है, और जब आरबीसी रप्चर होती है, आरबीसी फटती है, तो हीमोजोइन पार्टिकल पूरी बॉडी में मुक्त होते हैं, और बॉडी में मुक्त होते हैं तो तेज बुखार, रिगर का मतलब क्या होता है, कंपकंपी लग करके क्या होता है बुखार होता है। तो मलेरिया का एक तो लक्षण क्या हो गया, इसमें रिगर्स आते हैं, मतलब कंपकंपी लग करके क्या होता है, बुखार होता है। दूसरा अपन इसके अंतर्गत बात करें दोस्तों, जो मलेरिया है, इस मलेरिया के अंतर्गत जो बुखार आता है, उस बुखार की जो पुनरावृत्ति होती है निश्चित समय के बाद में होती है। मलेरिया के अंतर्गत क्या होता है, बुखार की जो पुनरावृत्ति होती है वो पुनरावृत्ति क्या होती है, फिक्स है, या तो 72 या 48 आवर के बाद में बुखार होता है।
मतलब निश्चित समय के बाद के अंतर्गत बुखार आता है, जिगर सतह कम कम पी आते हैं, हाई ग्रेड फीवर आता है, तेज बुखार आता है। हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर का मतलब छोटी छोटी दवाई काम नहीं करती, हाई ग्रेड फीवर इसके अंतर्गत तेज बुखार आता है। जो पेशेंट है उसका जी घबराता रहता है और हेडेक वो ज़्यादा होता है। और स्पेशली देखो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का यदि इन्फेक्शन हो जाता है, यदि फैल्सिपेरम मलेरिया हो गया, पीएफ मलेरिया हो गया। अब देखो पीएफ मलेरिया के अंतर्गत क्या होता है, ये ब्रेन की मेनिजिंस प्रभावित होती है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, मस्तिष्क की झिल्ली प्रभावित होती है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या होता है, ब्रेन फीवर हो जाता है, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है। ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर सबसे ज़्यादा चांस के किस में रहते हैं, मृत्यु की, पीएफ में। तो मलेरिया के अंदर निश्चित समय के बाद बुखार की पुनरावृत्ति होती है, इसमें जिगर सतह कम कम पियाते हैं, तेज बुखार आता है और पूरा क्या होता है, हेडेक होता है, पूरा क्या होता है, सर दर्द होता है। और ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर हो जाता है किसके अंतर्गत, मलेरिया के अंदर। क्लियर। इसके बाद अपन बात करें, देखो मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है, ये लक्षण आते हैं तो इलाज क्या है, इलाज को समझो। देखो मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या काम में लेते हैं, एक पादप काम में लेते हैं, उस पादप का नाम क्या है, सिनकोना, सिनकोना ऑफ्यूसिनलिस, ऑफ्यूसिनलिस। क्वेश्चन आता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए कौन सा पादप काम में लेते हैं, सिनकोना ऑफ्यूसिनलिस पादप काम में लेते हैं, कौन सा पादप काम में लेते हैं, पादप का नाम क्या है, सिनकोना ऑफ्यूसिनलिस। क्वेश्चन आता है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर जो सिनकोना ऑफ्यूसिनलिस पादप काम में लेते हैं, उसके कौन से भाग को काम में लेते हैं, कौन से पार्ट को काम में लेते हैं, उसका कौन सा भाग काम आता है, कौन सा भाग काम आता है, छाल काम आती है। मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंतर्गत सिनकोना ऑफ्यूसिनलिस पादप काम लेते हैं, उस पादप का कौन सा भाग काम लेते हैं, छाल, क्या काम लेते हैं, बारक काम लेते हैं। और देखो दोस्तों जो ये छाल होती है, उस छाल से क्या प्राप्त होती है, इस छाल का जो सार काम में लेते हैं, वो सार कौन सा काम लेते हैं, इसका सार होता है, उस सार का नाम क्या है, कुन्नेन है, क्या होते हैं, कुन्नेन काम में लेते हैं। और कुन्नेन के अंदर अपन बात करें कि कौन से इसके अंदर लवण काम में लेते हैं, लवण कौन सा काम में लेते हैं, कुन्नेन सल्फेट, कुन्नेन सल्फेट काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, कुन्नेन सल्फेट काम में लेते हैं, कुन्नेन सल्फेट। अब इसकी डेरिवेटिव युत्पन्न है, जैसे अपन क्या मिल काम लेते हैं, प्रीमा क्यूनोन है, प्रीमा क्यूनोन काम में लेते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर। यदि अपन इसके अंतर्गत कलरो क्यूनोन काम में लेते हैं, कलरो क्यूनोन काम में लेते हैं। यदि अपन बात करें इसके अंतर्गत अल्फा बीटा आर्टिथर काम में लेते हैं, आर्टिथर काम में लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए कौन सा पादप काम आता है, सिनकोना ऑफ्यूसिनलिस। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए कौन सा पादप काम आता है, सिनकोना ऑफ्यूसिनलिस काम आता है। क्वेश्चन आता है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा सिनकोना का कौन सा भाग काम आता है, छाल, कौन सा भाग काम आता है, छाल आता है। क्वेश्चन आता है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के छाल का कौन सा सार काम में लेते हैं, कौन सा सार काम लेते हैं, कुन्नेन, कौन सा सार काम लेते हैं, कुन्नेन लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा लवण काम आता है, साल्ट कौन सा काम आता है, कुन्नेन सल्फेट, कौन सा लवण काम आता है, कुन्नेन सल्फेट साल्ट आता है। और क्वेश्चन आता है कि इसके कौन कौन से डेरिवेटिव है, देखो प्रीमा क्यूनोन काम आती है, कलरो क्यूनोन आती है, अल्फा बीटा आर्टिथर आती है। अब इनमें से अपन बात करें, देखो कोई भी दोस्तों पेशेंट आता है मलेरिया का, तो पहले तीन दिन तक उसको क्या दी जाती है, कलरो क्यूनोन देते हैं, क्या देते हैं, क्लोरोक्विनोन दी जाती है, क्लोरोक्विनोन सल्फेट दी जाती है। और क्लोरोक्विनोन सल्फेट देखो क्या चीज़ है, क्लोरोक्विनोन सल्फेट है वो क्या करती है, जो मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम की अवस्थाएं होती है उनको नष्ट करती है। इसके बाद के अंदर का देखो
तीन दिन के बाद में आगे आने वाले 14 दिन तक पर टाइम 7.5 mg कह रहे थे प्रीमेक्यूनोन। प्रीमेक्यूनोन क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के शरीर में जितनी प्लाज्मोडियम की अवस्थाएं होती है सब अवस्थाओं को खत्म कर देती है, कौन सी? प्रीमेक्यूनोन। अब क्वेश्चन ये आता है कि मलेरिया की सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी दवाई कौन सी है? सबसे प्रभावी दवाई कौन सी? अल्फा बीटा आर्टिथर है। मलेरिया के ट्रीटमेंट की सबसे प्रभावी दवाई कौन सी? अल्फा बीटा आर्टिथर है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, पीएफ मलेरिया है, ब्रेन फीवर है, उसमें क्या देते हैं? अल्फा बीटा आर्टिथर देते हैं। तो मलेरिया के अंतर्गत इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव और क्लोरोक्विनोन, कौन सा? क्यूनेन सल्फेट काम लेते हैं। क्लियर है? ये तो मलेरिया का क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। और तो जो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसा लक्षण है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? चिकित्सा होती है। इसके बाद अपन बात करें, ये दोस्तों अल्फा बीटा आर्टिथर इंजेक्टेबल में भी आता है, टेबलेट में भी आने लगे आजकल, तो ये इफेक्टिव है, सभी प्रकार के मलेरिया के काम आती है। इसके बाद अपन बात करें मच्छरों का कंट्रोल। देखो दोस्तों, मच्छरों की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें, मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रण कैसे करते हैं? मच्छरों की जनसंख्या कंट्रोल करना, देखो आज पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस प्रकार से कंट्रोल करें। लगातार मच्छरों की, जो भी अपन मच्छर मारने के लिए जो भी साधन काम में लेते हैं उसके प्रति प्रतिरोधकता क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट का जो क्वेश्चन जो पूछा है आरपीसी यानी यूपीसी ने पूछा है, मच्छरों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, उनके लार्वा को नष्ट करने के लिए, लार्वा को मारने के लिए मच्छरों की जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए कौन सी मछली काम में लेते हैं? कौन सी मछली काम में लेते हैं? तीन मछलियों का यूज कर सकते हैं, एक तो ट्राउट का, एक ट्राइगोन का और एक गैम्बुशिया। मच्छरों की जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों की लार्वा को मारने के लिए, मलेरिया को नियंत्रण करने के लिए तीन मछलियां काम में लेते हैं, एक ट्राउट है, एक ट्राइगोन है, एक गैम्बुशिया। अब इन तीनों के अंदर अपन बात करें, मोस्ट कॉमन कौन सी काम आती है? गैम्बुशिया, एक बहुत बड़ी लार्विसाइड मछली है। राजस्थान के अंतर्गत 235 पीएससी के ऊपर जो हैजरी बना रखी है, उस हैजरी के अंतर्गत कौन सी मछली डाल रखी है? गैम्बुशिया। गैम्बुशिया मोस्ट कॉमन मच्छरों की पॉपुलेशन के अंतर्गत काम ले जाने वाली मछली है। तो ये तीन मछलियां काम आती हैं, तीन मछलियां मोस्ट कॉमन कौन सी है? गैम्बुशिया। इसके बाद अपन नंबर टू बात करें, दूसरा देखो, मच्छरों की जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए अपन रूम के अंतर्गत क्या होती है? इंसेक्टिसाइड काम में लेते हैं, कीटनाशक। देखो रूम के अंतर्गत जो अपन कीटनाशक लगाते हैं, जिससे अपन अलग अलग ब्रांड नेम से, कोई ऑल आउट कहता है, कोई मोर्टिन कहता है, अलग अलग जो ब्रांड नेम से जो कीटनाशक लगाते हैं, कीटनाशक देखो बहुत खतरनाक होता है, बच्चों के लिए भी और बड़े व्यक्तियों के लिए भी, बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं इनको। देखो रात को यदि आप चालू करके सो जाते हो तो रात को आपको घुटन होने लग जाती है, 50 सिगरेट पी लो और एक रात इसको चला के सो जाओ, बराबर होता है, बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे इतना ज़्यादा। इसमें मेन तो क्या होता है? केरोसिन होता है। देखो जो मच्छरों के मारने के लिए अपन जो काम में लेते हैं इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, मेनली तो इसमें क्या होती है? केरोसिन होता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या होता है? अल्प मात्रा के अंदर इसमें क्या डालते हैं? कीटनाशक डालते हैं। और क्वेश्चन आता है कि मच्छरों की जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए जो अपन इंसेक्टिसाइड लगाते हैं, कीटनाशक लगाते हैं, जो ऑल आउट लगाते हैं, जो मोर्टिन लगाते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें देखो एलाथ्रीन, पायरेथ्रीन एक कीटनाशक होता है, जैसे पायरेथ्रम है, जैसे एलाथ्रीन है, ये कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो उसको वो भी क्या करते हैं? मच्छरों को नष्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या होता है, जैसे रूम के अंतर्गत, शुरू के अंतर्गत फैन बंद करके पूरा रूम पे करके आधे घंटे चलाना चाहिए, उसके बाद में आप रूम खोल सकते हो और फैन चालू कर सकते हो, आधे घंटे के अंदर सारे क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पूरी रात चला करके उसको छोड़ दे।
इसके बाद अपन बात करें तीसरी बात मच्छरों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तीसरी बात अपन देखें आजकल दोस्तों क्या है, रैकेट आया है। उस रैकेट को आप जैसे बेड पे घुमा दिया या कोई मच्छर उसके टच में आता है तो तुरंत क्या हो जाता है, नष्ट होते हैं। तो रैकेट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, कीटनाशक के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और मछलियों का उपयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। गंदे पानी के जो भी सोर्स है उसको खत्म करके नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इसके अंतर्गत देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल यूपीएससी में पूछा था कि अपने पास कहीं भी गंदा पानी पड़ा है, गंदा पानी, अब इस गंदा पानी के अंतर्गत मच्छरों की कंट्रोल करने के लिए ऑयल डाल दो। अब ऑयल कौन सा ऑयल है वो डिपेंड करता है पानी कौन सा है। जैसे गंदा पानी का मतलब ऐसा पानी जो बारिश का पड़ा है, कूलर का पड़ा है, ऐसा पानी जो नॉन यूजफुल है, उपयोगी नहीं है, उसके अंतर्गत गंदे पानी में क्या डाला जाता है, केरोसिन डाला जाता है। अब दोस्तों जैसे इसके अंतर्गत केरोसिन डालते हैं तो केरोसिन डालने से क्या होता है कि जो पानी होता है उस पानी का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और पानी का जैसे सरफेस टेंशन कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, और पृष्ठ तनाव कम होते ही मच्छरों के सारे लार्वा किसके अंदर आ जाते हैं, पानी के अंदर डूब जाते हैं। और पानी के अंदर डूबने का मतलब क्या नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। और ऑक्सीजन नहीं मिलने का मतलब क्या होता है, जैसे ही पानी में डाले ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन मिलती श्वसन रुक जाता है, श्वसन रुकने का मतलब क्या होगी, डेथ होगी। क्वेश्चन आता है कि मच्छरों के लार्वा को जब अपन मारने के लिए गंदे पानी में केरोसिन मिलाते हैं तो केरोसिन मिलाने से क्या नहीं मिलता, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से लार्वा पानी में डूब जाते हैं, ऑक्सीजन मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और मच्छरों की जनसंख्या तुरंत क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। और ऐसा पानी जो यूजफुल है उस यूजफुल पानी के अंतर्गत क्या डाला जाता है, मीठा तेल डाला जाता है। क्लियर है। इस प्रकार देखो दोस्तों मच्छरों की पॉपुलेशन कंट्रोल करके मलेरिया को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। मलेरिया एट प्रेजेंट के अंतर्गत बहुत बड़ी समस्या है जो मच्छरों की पॉपुलेशन पर कंट्रोल करके ही उसको नष्ट किया जा सकता है। नहीं तो क्या होता है, अनेकों लोगों की क्या होती है, मलेरिया के क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं।